नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कभी सोचा है कि आर्ट हमारे जीवन में कितना घुला मिला है? ये सिर्फ पेंटिंग्स और मूर्तियों तक सीमित नहीं है, हमारे चारों ओर आर्ट है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे आसपास की चीजों में बसी हुई है। सुबह की चाय की चुस्की लेते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि उस कप पर बनी डिजाइन भी एक कला है? पक्षियों के गीत सुनते हुए वह मधुर ध्वनि भी एक प्रकार की कला है जो प्रकृति ने हमें दी है। या फिर रात को तारों भरे आसमान को निहारते हुए वह दृश्य भी एक अद्भुत कला का नमूना है जो हमें सुकून देता है। हम जाने अनजाने आर्ट का आनंद लेते हैं। यह हमारे जीवन के हर पहलू में बसी हुई है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। कभी कभी तो आर्ट हमें सड़क किनारे लगे पोस्टर में भी दिख जाती है, जो किसी कलाकार की मेहनत और कल्पना का परिणाम होती है। या फिर किसी बच्चे के हाथों बने एक छोटे से चित्र में, जिसमें उसकी मासूमियत और रचनात्मकता झलकती है। आर्ट हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमें खुशियां देती है और हमारे जीवन को रंगीन बनाती है। यह हमें प्रेरित करती है और हमारे अंदर की भावनाओं को जगाती है और हमारे जीवन को रंगीन बनाती है। यह हमें प्रेरित करती है और हमारे अंदर की भावनाओं को जगाती है। यह हमें एक नई दृष्टि देती है, जिससे हम दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। आर्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ म्यूजियम में रखी जाती है। यह हमारे चारों ओर है, हमारे घरों में, हमारे कार्यस्थलों में और यहाँ तक कि हमारे रास्तों में भी। यह तो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है जो हमें हर पल घेरे हुए है। यह हमें एक नई दृष्टि देती है, जिससे हम दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकते हैं, जो हमें हर पल घेरे हुए है। यह हमें एक नई दृष्टि देती है, जिससे हम दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। आर्ट हमें सिखाती है कि सुंदरता हर जगह है, बस हमें उसे देखने की कला आनी चाहिए। चाहे वह किसी कलाकार की पेंटिंग हो, किसी संगीतकार की धुन हो या फिर किसी लेखक की कहानी हो, आर्ट हमें जोड़ती है, हमें एक दूसरे के करीब लाती है। त्योहारों में सजावट, रंगोली और नृत्य भी आर्ट के ही रूप हैं, जो हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं। आज के डिजिटल युग में आर्ट ने एक नया रूप ले लिया है। डिजिटल आर्ट, ग्राफिक डिजाइन और एनिमेशन ने कला की दुनिया को और भी विस्तृत बना दिया है। आर्ट सिर्फ देखने और सुनने की चीज नहीं है, यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाती है। आर्ट थेरेपी के माध्यम से लोग अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और सुकून पा सकते हैं। शिक्षा में भी आर्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों को कला के माध्यम से सिखाना उन्हें रचनात्मक और विचारशील बनाता है। वास्तुकला में भी आर्ट का अद्भुत योगदान है। इमारतों की डिजाइन, उनके आंतरिक और बाहरी सजावट में कला की झलक मिलती है। फैशन में भी आर्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। कपड़ों की डिजाइन, उनके पैटर्न और रंग संयोजन में कला की झलक मिलती है। यहाँ तक कि खाना बनाने में भी आर्ट है। एक शेफ की प्लेटिंग, उसके द्वारा बनाए गए व्यंजन भी कला के अद्भुत नमूने होते हैं। साहित्य में भी आर्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। किताबें, कविताएं और कहानियां भी कला के ही रूप हैं, जो हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं। फोटोग्राफी में भी आर्ट है। एक फोटोग्राफर की नज़र, उसके द्वारा कैप्चर किए गए पल भी कला के अद्भुत नमूने होते हैं। नृत्य में भी आर्ट है। विभिन्न नृत्य रूप, उनकी मुद्राएं और भाव भंगिमाएं भी कला के अद्भुत नमूने होते हैं। सिनेमा में भी आर्ट है। एक फिल्म निर्माता की दृष्टि, उसके द्वारा बनाई गई फिल्म भी कला के अद्भुत नमूने होते हैं। खेलों में भी आर्ट है। एक खिलाड़ी की चाल, उसके द्वारा किए गए मूवमेंट्स भी कला के अद्भुत नमूने होते हैं। आर्ट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जो हमें हर पल घेरे हुए है। यह हमें एक नई दृष्टि देती है, जिससे हम दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। आर्ट हमें सिखाती है कि सुंदरता हर जगह है, बस हमें उसे देखने की कला आनी चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने आसपास देखें तो आर्ट को पहचानने की कोशिश करें। यह हर जगह है, बस हमें उसे देखने की कला आनी चाहिए। आर्ट इज एवरीवेयर। इसे महसूस करें, इसे सराहें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। रंगों का जादू किसे नहीं भाता? रंगों की दुनिया में खो जाना एक अद्भुत अनुभव है। जब हम किसी पेंटिंग को देखते हैं तो वह हमें अपने साथ एक यात्रा पर ले जाती है, एक ऐसी यात्रा जो हमारी कल्पना को पंख देती है। एक सुंदर सी पेंटिंग हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यह दुनिया कभी कभी हमारी वास्तविकता से भी अधिक सुंदर और मोहक होती है। पेंटिंग्स में छुपे रंग और रूप हमें एक नई दृष्टि से दुनिया को देखने का मौका देते हैं। कभी किसी पहाड़ी इलाके की खूबसूरती तो कभी किसी हरे भरे जंगल की शांति।
पहाड़ों की ऊंचाई और उनकी भव्यता हमें एक अलग ही एहसास कराती है। पेंटिंग्स में यह सब कुछ जीवंत हो उठता है। कभी समुद्र की लहरों का जादू जो हमें अपनी गहराई और अनंतता का एहसास कराता है। समुद्र की लहरें, उनकी आवाज और उनका रंग हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। पेंटिंग्स में यह सब कुछ कैद हो जाता है। एक पेंटिंग हमें अलग अलग भावनाओं से रूबरू कराती है, कभी खुशी, कभी उदासी, कभी आशा तो कभी निराशा। हर पेंटिंग में एक कहानी छुपी होती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। घर की दीवारों पर लगी पेंटिंग से लेकर हर कोने में कला की झलक मिलती है। ये पेंटिंग्स हमारे घर को सजाती हैं और उसे एक नया रूप देती है। हर पेंटिंग में एक अलग ही कहानी होती है जो हमारे जीवन को रंगीन बनाती है। किसी किताब के कवर तक पेंटिंग्स हर जगह अपनी छाप छोड़ती है। किताबों के कवर पर बनी पेंटिंग्स हमें उस किताब की कहानी का एक झलक देती है और हमें उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारे आसपास रंग बिखेरने वाले चित्रों की कमी नहीं है। हर जगह, हर कोने में हमें कला की झलक मिलती है। ये चित्र हमारे जीवन को रंगीन और जीवंत बनाते हैं। कला हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर तस्वीर अपने आप में एक कहानी बयां करती है, एक एहसास जगाती है। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमें एक नई दृष्टि से दुनिया को देखने का मौका देती है। पेंटिंग्स में छुपी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। कलाकारों की मेहनत और उनकी कला का जादू हमें हर पेंटिंग में देखने को मिलता है। उनकी कल्पना और उनकी मेहनत का फल हमें हर पेंटिंग में नजर आता है। कलाकार अपनी कला के माध्यम से हमें एक नई दुनिया में ले जाते हैं। कला दीर्घाओं और प्रदर्शनियों में हमें विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स देखने को मिलती है। ये स्थान कला प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग के समान होते हैं, जहां वे विभिन्न कलाकारों की कला का आनंद ले सकते हैं। बच्चों के लिए पेंटिंग एक खेल के समान होती है। वे अपनी कल्पना को रंगों के माध्यम से व्यक्त करते हैं और अपनी दुनिया को रंगीन बनाते हैं। पेंटिंग्स के माध्यम से वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। सड़कों पर बनी पेंटिंग्स और भित्ति चित्र भी कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह चित्र हमारे शहरों को सजाते हैं और उन्हें एक नया रूप देते हैं। यह कला हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और हमें हर दिन प्रेरित करती है। आधुनिक युग में डिजिटल कला का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। डिजिटल पेंटिंग्स और आधुनिक कला के माध्यम से कलाकार अपनी कल्पना को एक नई दिशा में ले जाते हैं। यह कला हमें एक नई दृष्टि से दुनिया को देखने का मौका देती है। कला का उपयोग चिकित्सा के रूप में भी किया जाता है। आर्ट थेरेपी के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। पेंटिंग्स के माध्यम से वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और अपने जीवन को संतुलित बनाते हैं। प्रसिद्ध पेंटिंग्स और प्रतिष्ठित कलाकृतियाँ हमें कला की दुनिया में एक नई दृष्टि से देखने का मौका देती है। ये कृतियाँ हमें प्रेरित करती हैं और हमें एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। कला का जादू हमें हर दिन प्रेरित करता है और हमें एक नई दिशा में ले जाता है। संग्रहालयों में लोग पेंटिंग्स को निहारते हैं और उनकी सुंदरता का आनंद लेते हैं। ये स्थान कला प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग के समान होते हैं, जहां वे विभिन्न कलाकारों की कला का आनंद ले सकते हैं और उनकी कला को सराह सकते हैं। कलाकार अपनी कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और अपनी कहानियों को बयां करते हैं। उनकी कला हमें सोचने पर मजबूर करती है और हमें एक नई दृष्टि से दुनिया को देखने का मौका देती है। पेंटिंग्स का जादू हमें हर दिन प्रेरित करता है और हमें एक नई दिशा में ले जाता है। क्या जीवन की कल्पना बिना म्यूजिक के की जा सकती है? मुश्किल है ना? म्यूजिक तो हमारे जीवन का साउंडट्रैक है। खुशी हो या गम, उत्साह हो या निराशा, हर मूड के लिए एक गाना तो जरूर होता है। सुबह की चाय के साथ एक मधुर भजन या फिर ऑफिस जाते वक्त एक फुट टैपिंग नंबर, म्यूजिक हमें एनर्जेटिक भी बनाता है और रिलैक्स भी करता है। Dance, moving to life's rhythm. Dance is not just a form of art, it is a way of life. It is an expression of the soul, a language that transcends words and speaks directly to the heart. Dance, yani sharir ki laybadh chaal. Dance, the rhythmic movement of the body, is a universal language that connects people across cultures and generations. It is a celebration of life, a way to express joy, sorrow, love, and every emotion in between. Khushi ho ya utsaah, ullaas ho ya umang, डांस द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। Whether it is joy or enthusiasm, elation or excitement, dance allows us to express our emotions in a way that words often cannot.
It is a powerful medium that can convey the deepest of feelings and the most profound of thoughts. हर कल्चर का अपना डांस होता है जो उनकी परंपरा और विरासत को दर्शाता है. Every culture has its own unique dance forms that reflect its traditions and heritage. These dances are not just performances, they are stories told through movement, preserving the history and values of a community. Part mein to dance ka bahut hi khas mahatv hai. In India, dance holds a very special place. It is an integral part of our festivals, rituals, and celebrations. From the classical dances that have been passed down through generations to the vibrant folk dances that bring communities together, dance is woven into the very fabric of Indian life. Yahan Bharatnatyam, Kuchipudi, Odissi jaise aneko shastriya nritya shailiyan maujood hain jo hame hamari sanskritik virasat se jodti hain. Here, we have numerous classical dance forms like Bharatanatyam, Kuchipudi, and Odissi, each with its own distinct style and significance. These dances connect us to our cultural heritage, telling stories of gods and goddesses, of love and devotion, of triumph and tragedy. They are a testament to the rich and diverse cultural tapestry of India. Dance is also evolving, blending traditional forms with contemporary styles to create something new and exciting. This fusion not only keeps the art form alive, but also makes it relevant to the younger generation, ensuring that the legacy of dance continues to thrive. Teachers and gurus play a crucial role in passing down the knowledge and techniques of these dance forms. They are the custodians of tradition, ensuring that the essence of these dances is preserved while also encouraging innovation and creativity. Dance performances, whether in grand theaters or small community halls, have the power to captivate audiences and transport them to another world. They are a celebration of human creativity and expression, a testament to the beauty and power of movement. From the intricate footwork of Kathak to the energetic moves of Bhangra, from the graceful ballet to the dynamic hip-hop, dance is a universal language that transcends boundaries. It is a celebration of diversity, a way to bring people together and foster understanding and appreciation for different cultures. At its core, dance is about passion. It is about losing oneself in the moment, letting the music guide your movements, and expressing your innermost feelings through the art of dance. It is a journey of self-discovery, a way to connect with oneself and with others. Dance has the power to bring people together, to create a sense of community and belonging. It is a way to celebrate life, to share joy and laughter, and to create lasting memories. Whether you are a professional dancer or someone who simply loves to move to the rhythm, dance is for everyone. In the end, dance is a personal journey. It is about finding peace and solace in the movement, about expressing yourself in a way that is uniquely yours. It is a celebration of life, a way to connect with the world around you and with your own inner self. So let us all move to life's rhythm. Let us all dance. For in dance, we find a reflection of our own lives, a celebration of our own stories, and a connection to the world around us. Crafting beauty. The art in our hands. Art sirf dekhne ya sunne ki cheez nahi hoti. इसे हम अपने हाथों से भी बना सकते हैं. हस्तशिल्प भी आर्ट का ही एक रूप है जिसमें हम अपनी रचनात्मकता को उजागर करते हैं. चाहे वह मिट्टी के बर्तन बनाना हो या फिर रंग बिरंगे धागे से स्वेटर बुनना, हस्तशिल्प हमें सुंदरता के साथ साथ आत्मसंतुष्टि भी प्रदान करते हैं.